Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग. इसमें हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स ऑफ एक्सरे विद एमसीक्यू. ये हमारा पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं. उसमें मैंने रिलेवेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमारा डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हैं और एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन है. अब इसमें हम जानेंगे हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब, बेसिकली मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स, फिल्टर्स और स्कैटर रेडिएशन से संबंधित टॉपिक के बारे में. सो लेट्स बिगिन. मॉडर्न एक्सरे ट्यूब. मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में बेसिकली हमारा है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, इसके बारे में हम जानेंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पहले हम गैस ट्यूब का इस्तेमाल करते थे एक्सरे प्रोडक्शन के लिए. उसके बाद हमारा कोलिंज जो है थर्मायनिक एमिशन बेस्ड एक्सरे ट्यूब का प्रोटोटाइप रखा गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया बेसिकली. तो मॉडर्न स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, कंपोनेंट सेम वही है, कैथोड एनोड इवैक्यूएटेड जो है ग्लास एनवलप होता है. तो कैथोड हमारा एक टंगस्टन फिलामेंट होता है एक कोयल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शो किया था डायग्राम, जो हीट होता है बाय लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, और ये एक शेलो फोकसिंग कप में होता है, इंक्लूडिंग अ शेलो फोकसिंग कप होता है उसके पास. देन उसमें आता है हमारा एनोड. एनोड जो है वो हमारा मेड अप ऑफ कॉपर होता है, जो बेसिकली कॉपर में एम्बेडेड एक टंगस्टन प्लेट होती है जो हमारा टारगेट का काम करती है. ये हमारा पोजीशन होता है अकॉर्डिंग टू लाइन फोकस प्रिंसिपल, और इसमें जो एनोड एंगल है वो हमारा 15 से 20 डिग्री रखा जाता है, जो हमारा स्टेशनरी एनोड है एक्सरे ट्यूब में. हाई वोल्टेज जो है सप्लाई की जाती है बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और जो ग्लास एनवलप है उसमें वैक्यूम जो है हाई वैक्यूम मेंटेन किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 5. अब इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी जाना था, तो फिलामेंट जो है वो हीट होता है और इलेक्ट्रिक एमिशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, और जो फोकसिंग कप है हमारा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में. तो प्रोटेक्ट ट्यूब वॉल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट. तो जो इलेक्ट्रॉन की जो बॉम्बार्डमेंट है यानी कि जो टकराव है ट्यूब वॉल पे ना हो, उससे हम बचाते हैं बेसिकली. एनोड को एक तरह से पॉजिटिव बनाया जाता है ताकि जो उस पर इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो सके बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक करंट. अब ट्यूब करंट जो है वो हमारा मिली एम्पियर की फॉर्म में बेसिकली मेजर किया जाता है. जैसे कि आप यूसेज भी आप करते हैं तो आपको मिली एम्पियर में दिखता है वो. देन इसमें आता है हमारा एक्सरे प्रोडक्शन. तो हाई वैक्यूम जो है वो क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन गैस कोलिजन है वो ना हो. जो इलेक्ट्रॉन जो जिसने हाई वेलोसिटी जो है एक्वायर की है वो किसकी वजह से, जो हमने ट्यूब वोल्टेज की है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी उसको प्राप्त हो जाती है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को. जब वो एकदम टारगेट पे हिट करके वो रुकते हैं तब हमारा जो है एक्सरे प्रोडक्शन होता है. अबाउट जो हाफ जो एक्सरे हैं वो टारगेट पे अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द जो एक्सरेज हैं जो प्राइमरी होते हैं प्राइमरी एक्सरे बीम की रूप में वो जाते हैं आगे. अब हीट मैनेजमेंट की बात करें तो लार्ज हीट प्रोडक्शन होती है एक्सरे जनरेशन के दौरान, तो इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया जाता है ताकि हीट को क्विकली बेसिकली डिसिपेट कर सके और उसको मैनेज कर सके. अब एप्लीकेशन की बात करें तो जो स्टेशनरी एनोड है उनके लिमिटेड टारगेट एरिया होता है बेसिकली. जो एनोड का जो एरिया है वो लिमिटेड होता है. ये हमारा स्माइल साइज्ड होती है और लाइट वेट एक्सरे यूनिट्स होती हैं. इनका हम इस्तेमाल डेंटल एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स होती हैं और पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स होती हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं. पोर्टेबल और यू कैन से मोबाइल एक्सरे यूनिट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो इसमें फोकल एरिया है वो काफ़ी छोटा होता है. ये हमारी जो है आप देख सकते हैं एक कैथोड एंड है हमारा, फिलामेंट सप्लाई यहाँ पर है, और ये हमारा एनोड है. ये थोड़ा सा स्लाइटली एंगुलेटेड होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल के आधार पर 15 से 20 डिग्री, और इसमें जो एरिया है वो
हमारा थोड़ा कम होता है, तो इसमें हम जो है कम यूसेज के तौर पर होता है, और ये हमारी प्राइमरी बीम दर्शा रही है, और यूजफुल जो है कोन ऑफ एक्सरेज इसमें कर सकते हैं। हाई वोल्टेज का इसमें अप्लाई होता है, तो F4। और जो ये हमारा ग्लास एनवलप है, ये हमारा वैक्यूम होता है। तो इस डायग्राम की मदद से आप जान सकते हैं जो हमारा स्टेशनरी एनोड है उससे रिलेटेड ये डायग्राम है। देन आता है हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। अब रोटेटिंग जो एनोड है उसका जो इन्वेंशन है और उसका पर्पस है वो किस लिए लाया गया वो हमें समझना है। तो 1933 में रोटेटिंग एनोड का जो है इन्वेंशन हुआ। ये किस लिए हुआ? क्योंकि जो इंक्रीज हीट लोडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए और एक्सरे आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमने रोटेटिंग एनोड का जो है वो इन्वेंशन किया और यू कैन से डेवलप किया। अब ये जो है लार्जर जो है इन साइज होता है और फंक्शन है रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स हैं, तो ये एक तरह से सिमिलर होता है स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब के, बट इसमें रोटेटिंग एनोड होता है जो इनकी जो एक्सरे ट्यूब्स हैं उनमें। प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन की बात करें तो रोटेटिंग एनोड में जैसे एक रेडियस है आर और सर्कमफ्रेंस है एल, तो इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड करती है एक एरिया पे जिसका है हाइट ए बी और विड्थ है उसका सी डी। तो एक्सरे ऑलवेज अपीयर टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम अ फोकल स्पॉट एरिया। तो एरिया हमारा आ गया इसमें जो टोटल है, तो जो एरिया है हमारा वो इसमें बढ़ जाता है। और इसमें हम बात करें लोडिंग गेन कैलकुलेशन की, तो कंपैरिजन के आधार पर स्टेशनरी और रोटेटिंग एनोड का अगर हम कंपेयर करें, तो एग्जांपल के तौर पर स्टेशनरी जो एनोड है वो 7.3 mm से लेके इंटू 2 mm है उसका बेसिकली एरिया, और जो रोटेटिंग एनोड है उसमें आर है 30 mm और लेंथ है 7.3 mm, तो जो लोडिंग एयर गेन है वो उसमें ज़्यादा होगा अप्रोक्स 94.2। और इसमें जो रोटेटिंग एनोड है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 100। तो ये इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो एरिया है वो हमारा बढ़ जाता है स्टेशनरी से रोटेटिंग एनोड में। अब जो डायमीटर है टंगस्टन डिस्क का वो डिटरमाइन करता है हमारा टोटल लेंथ ऑफ टारगेट ट्रैक, यानी कि जो हमारा टारगेट ट्रैक है उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे डायमीटर कितना है टंगस्टन की उस पर निर्भर करती है, और मैक्सिमम परमिसिबल लोडिंग होती है एनोड पर। अब इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो रोटेटिंग एनोड है उसका एक ये फ्रंट व्यू है, उसमें आर हमारा रेडियस है और एल हमारा पेरीमीटर है और थीटा हमारा जो है एनोड एंगल होता है। तो सिंगल फोकस में हमारा ये है और डबल फोकस में हमारा अलग अलग जो है दो एंगल होते हैं। ये जो छोटा जो डिग्री है ये हमारा स्मॉल फोकस को करती है और ये बेसिकली लार्ज फोकस है, तो इसमें डबल फोकस में आप देख सकते हैं। तो रोटेटिंग एनोड में बेसिकली एक एरिया पे बॉम्बार्डमेंट नहीं होती, वो रोटेशन करता रहता है, तो इससे जो है ट्यूब लाइफ भी ज़्यादा बढ़ती है, तो ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। देन आता है हमारा कैथोड। कैथोड और एनोड ग्लास बल्ब में बेसिकली एक तरह से यू कैन से ग्लास एनवलप में हमारे एम्बेडिड होते हैं। जो रोटेटिंग एनोड की एक्सरे ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे ग्लास बल्ब में बेसिकली जैसे होता है वैसे ही है। कैथोड हमारा टंगस्टन फिलामेंट है जैसे कि हमें पता है। ये हमारा फेस जो एनोड का लॉन्ग एक्सिस है उसके बेसिकली ऑफसेट थोड़ा सा ऑफसेट होता है टिल्टेड यू कैन से, तो लॉन्ग एक्सिस के टू दी एनोड टारगेट नियर टू द पेरिफेरी ऑफ द एनोड डिस्क। अब ड्यूल फिलामेंट की बात करें, तो जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स हैं उसमें बेसिकली दो फिलामेंट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉलर जो है फिलामेंट होता है साइड बाय साइड इन दी कैथोड असेंबली। तो लार्ज जो फिलामेंट है वो हमारे फोकस करता है लार्ज एरिया को, और जो स्मॉल वाला होता है वो हमारे स्मॉल एरिया को टारगेट करता है इन्हें एक्सरे ट्यूब। तो लार्ज बेसिकली होता हैवी ट्यूब लोडिंग वाले जो होती है उनमें होता है, और जो हमारा स्मॉल वाला फिलामेंट है वो हमारा सूटेबल होता है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए, तो स्मॉलर टारगेट एरिया या यू कैन से स्मॉलर जो फिलामेंट है उसका यूज़ किया जाता है। अब फोकल स्पॉट जो अलाइनमेंट है उसकी बात करें, तो जो
फिलामेंट है वो दोनों का जो फिलामेंट है, बोथ फिलामेंट है, उनका काम ही है हमारा फोकस करना इलेक्ट्रॉन को सम पार्ट ऑफ द एनोड पे। तो इसमें मेंटेन किया जाता है फोकल स्पोर्ट का सेम पॉइंट पे फॉर बोथ ऑपरेशनल मोड। तो कुछ जो ट्यूब्स हैं वो टू टारगेट एंगल फॉर टू फिलामेंट, यानी कि जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है दोनों उसका फिलामेंट्स का, वो प्रदान करती है। कुछ ट्यूब में होता है बट जो कुछ ट्यूब में बेसिकली नहीं होता। तो अगर हमारा अलग अलग दो एंगल हैं तो उसमें जो फिलामेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली हमारे जो है सेपरेट फोकल स्पॉट होंगे, क्योंकि जो एंगल है वो हमारा अलग अलग होगा। और स्मॉलर जो टारगेट एंगल है वो यूज़ किया जाता है स्मॉलर फोकल स्पॉट को फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक एरिया के आधार पर। तो स्मॉलर जो टारगेट एंगल है वो हमारा स्मॉलर फोकल स्पॉट को यूज़ किया जाता है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा फोकल फोकसिंग कप है और इसमें बेसिकली देख सकते हैं आप फिलामेंट फॉर स्मॉल फोकस और बेसिकली लार्ज फोकस के लिए ये है हमारा। तो ये हमारा कैथोड असेंबली है, ये हमारा एक्सरे ट्यूब है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारे जो कैथोड असेंबली है इसमें हम दो जो है फिलामेंट लगा सकते हैं, एक लार्ज के लिए और एक स्मॉल के लिए। और ये हमारा उसी आधार पर बेसिकली जो है एनोड को सूटेबल एंगल प्रदान किया जाता है और उसका फोकसिंग कप भी। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन आता है हमारा फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का जैसे हमने फंक्शन जाना कि जो फोकसिंग कप है और कैथोड ब्लॉक है उसके सराउंड दी फिलामेंट, और ये हमारा इसका जो प्राइमरी रोल है वो इलेक्ट्रॉन बीम को शेप देना और एक तरह से विड्थ प्रदान करना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो विड्थ है उसको एक शेप देना और यू कैन से डायरेक्शन देना। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फोकस्ड की जाती है बेसिकली इन ए स्मॉल एरिया, तो उसको हम फोकल स्पॉट ऑन दी एनोड कह सकते हैं। अब टू एनर्जाइजिंग मेथड की बात करें तो फोकसिंग कप जो है वो एनर्जाइज होते हैं दो तरीकों से, एक है हमारा अनबायस्ड सेटअप और हमारा है एक बायस्ड सेटअप। अगर अनबायस्ड की बात करें तो इसमें हमारे सेम वोल्टेज अप्लाई होती है दोनों फोकसिंग कप और फिलामेंट में, जिसका फलस्वरूप हमें एक वाइटर इलेक्ट्रॉन जो स्प्रेड निकलता है वो वाइटर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड निकलता है जो हमारे लार्ज फोकल जो स्पॉट विड्थ है उसको कवर करता है। और बायस्ड की बात करें तो इसमें इंसुलेटेड फोकसिंग कप्स होते हैं जो हमारे नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव सप्लाई बेसिकली एग्जांपल देन दी फिलामेंट, जो हमारे टाइटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं अराउंड द इलेक्ट्रॉन, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है वो कम होता है और हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट विड्थ बनती है यानी कि स्मॉल एरिया में। अब डिटरमाइनेशन की बात करें तो कि हमारा फोकल स्पॉट साइज कितना होगा, तो विड्थ ऑफ द फोकसिंग कप है वो डिटरमाइन किया जाता है फोकल स्पॉट विड्थ पे, और लेंथ हमारी जो है फिलामेंट डिटरमाइन करती है फिलामेंट स्पॉट लेंथ पे। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है। अब इसमें आप देख सकते हैं अनबायस्ड तरीके में और बायस्ड तरीके में। अनबायस्ड तरीके में आप देखिए जो फोकसिंग कप है वो हमारा अनबायस्ड तरीके से है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्प्रेड हो रही है और जो फोकल स्पॉट है वो हमारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करें इसमें बायस्ड की, तो हमारे जो है 100 वोल्टेज की बात करें तो इसमें जो फील्ड ऑफ फिलामेंट एंड ऑन व्यू बेसिकली ये हमारा जो एरिया है वो हमारा एक स्मॉल एरिया है और इसमें हमारा लार्ज एरिया है। तो फोकल स्पॉट की जो विड्थ है, विड्थ बेसिकली जो है वो डिटरमाइन करते हैं और बेसिकली लेंथ हमारे जो है जो फिलामेंट की लेंथ है उस पर निर्भर करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन आता है हमारा एनोड। देन आता है हमारा एनोड। एनोड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एनोड जो है एक शेप्ड में होता है और लार्ज सोसर शेप्ड डिस्क होती है जो हमारी टंगस्टन की बनी होती है, और यू कैन से टंगस्टन एलॉय की। जो टारगेट ट्रैक होता है ये हमारा बनाया जाता है बेसिकली नियर टू दी पेरीफरी जो एंड है उसके ऊपर,
टू मैक्सिमाइज दी इट्स लेंथ, लेंथ को बढ़ाने के लिए। और इसमें हम बेसिकली रेनियम जो है वो मिलाते हैं, तो टंगस्टन और रेनियम एलॉय होता है। टंगस्टन हमारा 90% और 10% रेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 75, जो हमारे थर्मल स्ट्रेसेस को है जो रोकता है। थर्मल स्ट्रेसेस की बात करें जो हीटिंग कैपेसिटी बेसिकली। तो मॉडर्न एनोड डिज़ाइन की बात करें तो जो मॉडर्न एनोड रोटेटिंग एनोड्स हैं वो सॉलिड मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं एज अ बेस, जिसके फलस्वरूप जो हमारा थिंग टंगस्टन रोडियम का जो है वो क्रैक इज कोटेड, जो हमारा इसको बेसिकली क्रैक होने से बचाता है। मोलिब्डेनम का बेसिकली इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो है हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू टंगस्टन। मोलिब्डेनम बेसिकली लोअर मास का भी होता है और ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी। रेडियल स्लॉट्स एंड ग्राफिक लेयर की बात करें तो जो सम हाई आउटपुट एक्सरे ट्यूब्स होती हैं उसमें हमारे रेडियल स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे कट इनटू एनोड डिस्क टू रिड्यूस थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस को रोकने के लिए बेसिकली इसमें जो है रेडियल स्लॉट्स का यूज़ किया जाता है। कॉज्ड बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, जो बार बार जो है गर्म और ठंडा होने से बेसिकली होता है थर्मल स्ट्रेसेस, तो इसको बेसिकली ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली रेडियल स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। हैवी ड्यूटी जो एक्सरे ट्यूब्स हैं उसमें बेसिकली एक ग्रेफाइट लेयर होती है, यानी कि एक कार्बन की लेयर होती है इन दी बैक ऑफ दी एनोड डिस्क में। अब बात करें इसमें है बेवल्ड एज। बेवल्ड का एज का मतलब होता है कि जो उसका एज है वो एक स्लांट शेप में होता है, एक तरह से एक जो है ढलान की तरह होता है जो एनोड का एज है। जो एनोड डिस्क इज बेवल्ड एट एंगल ऑफ, वो हमारा जो एंगल है 6 से 20 डिग्री तक, वो एक स्लोप की फॉर्म में बेसिकली उसका एज होता है। ये हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए असेंशियल होता है कि हमें लाइन फोकस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करना है तो एक स्लांटेड एज देना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो है डिग्री जो है बेवल्ड एज हो जाता है, उसका एक झुकाव और एक स्लोप की डायरेक्शन में हो जाता है जो हमारा 6 से 20 डिग्री तक होता है। देन आता है हमारा एनोड स्टेम। तो एनोड स्टेम जो है एनोड डिस्क माउंटिंग बेसिकली, ये हमारा माउंट एनोड डिस्क इज सिक्योरली माउंटेड ऑन अ स्टेम, तो एक स्टेम पे होता है और ये हमारा रोटर से जो है अटैच्ड होता है। मटेरियल की बात करें तो ये हमारा स्टेम जो है मोलिब्डेनम का होता है, जिसका हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना 2620 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और पुअर हीट कंडक्शन, पुअर हीट कंडक्शन का मतलब है कि इसमें जो कंडक्शन रेट है हीट का वो कम होता है। प्रिवेंटिंग हीट फ्लो, तो जो मोलिब्डेनम है वो उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो हीट फ्लो है उसको रोकता है, जो हमारा टंगस्टन एनोड डिस्क से होता है टू द बियरिंग ऑफ द एनोड असेंबली। ये हमारा अचीव किया जाता है क्रॉस सेक्शनल बेसिकली ड्यू टू स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मोलिब्डेनम स्टेम। मोलिब्डेनम की जो स्टेम है उसकी वजह से हमें ये अचीव किया जाता है, जो है हीट फ्लो को प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ बियरिंग्स, तो बाई प्रिवेंटिंग जो एक्सेसिव हीट है इससे हम बियरिंग को बेसिकली सेफगार्ड करते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड बाइंडिंग। एक्सपेंशन की बात करें तो जो हीटिंग से जो है बियरिंग्स हैं वो हमारे एक्सपेंड हो सकते हैं, तो हीट इंड्यूस्ड एक्सपेंशन कुड अफेक्ट द स्मूथ रोटेशन ऑफ द एनोड असेंबली। तो हीट जो हीट इंड्यूस से यानी कि ड्यू टू हीट से जो एक्सपेंशन होता है उससे जो हमारा रोटेशन एनोड पे है वो असर पड़ सकता है, इसलिए हम मोलिब्डेनम स्टेम का यूज़ करते हैं। अब इसमें कंसिडरेशन किया जाता है स्टेम लेंथ को, यानी कि जो हमारी स्टेम लेंथ है वो क्या होगी, कितनी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो लॉन्गर जो स्टेम्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं इनर्शिया ऑफ द टंगस्टन डिस्क को, जो एक ग्रेट लोड ऑन द बियरिंग, तो जो हमारा बियरिंग्स है उन पे जो है लोड उत्पन्न करती है ज़्यादा, तो इसलिए हमारा शॉर्ट स्टेम रखा जाता है जिससे जो है एनोड की जो घूमने की गति है उस पर असर ना पड़े। तो अगर ज़्यादा लंबी स्टेम होगी तो जो है बियरिंग्स पे या एक तरह से रोटेशन करने में उसको प्रॉब्लम होगी हमारे एनोड को,
तो इस वजह से जो स्टेम है उसको शॉर्ट रखा जाता है जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है रोटेटिंग एनोड की वो कम ना हो। तो ये हमें पता चल गया, जो एनोड स्टेम है वो शॉर्टर इन लेंथ होता है। अब रोटर की बात करें तो जो एनोड डिस्क कनेक्शन है वो एक रोटर असेंबली से लिंक होता है, तभी वो मूवमेंट करेगा। तो रोटर में हमारा कॉपर बार्स होते हैं, अनसर्कलिंग सिलेंड्रिकल आयरन कोर होता है। अब जो सराउंडिंग दी रोटर होता है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, वाइल द स्टेटर इज लोकेटेड आउटसाइड दी ग्लास एनवलप। अब कॉम्बिनेशन है स्टेटर और रोटर का, इसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, कोलेबोरेटिवली इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इंडक्शन मोटर का, तो एनर्जाइज करता है स्टेटर कोइल्स को, जिससे हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक जो है फील्ड उत्पन्न होती है, जनरेट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस करती है करंट को इन दी रोटर कॉपर बार्स में, जो हमारे रोटर बेसिकली कॉपर बार्स है उनमें करंट उत्पन्न करती है। तो इंड्यूस जो करंट है वो एक जनरेट करता है एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को, जो प्रोपेलिंग दी रोटर टू स्पिन, यानी कि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के बाद जो है रोटर को प्रोपेल करने पे, प्रोपेल रोटर टू स्पिन, मूवमेंट करने में बेसिकली हेल्प करता है, प्रोपेल करता है वो। अब रोटेटिंग स्पीड की बात करें तो जो रोटर होता है वो हमारा 3000 से 9000 रेवोल्यूशन पर मिनट की आरपीएम बेसिकली इसको बोलते हैं, तो 3000 से 900 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। काफ़ी स्पीड ज़्यादा है बेसिकली, ये हमारा एग्जाम परस्पेक्टिव से भी पूछ सकते हैं। तो रोटेटिंग जो स्पीड है रोटर की वो कितनी होती है, 3000 से 900, जो इंश्योर करता है इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट को, यानी कि जो अटैकिंग है इलेक्ट्रॉन बीम है उसको कंटिन्यूसली होने पे, और एरिया को चेंज करने में एनोड का, जिससे हमारा जो एनोड है वो डैमेज ना हो जल्दी। हीट डिसिपेशन की बात करें तो जो रोटर सरफेस है वो ब्लैकेंड की जाती है टू एनहांस हीट डिसिपेशन वाया रेडिएशन। तो ब्लैकेंड किया जाता है रोटर के सरफेस को, जिससे हीट जल्दी कूल डाउन हो जाए या डिसिपिएट हो जाए, वो फैल जाए रेडिएशन के माध्यम से। तो रोटर जो सपोर्ट करता है, जो रोटर होता है बेसिकली उसमें हमारे कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम स्टील का होता है, और पॉजिटिव टेंशन सप्लाई होती है जो मेडअप होती है आउटसाइड दी ग्लास एमलप, ग्लास एमलप के जो है बाहर इसका जो है रोटर का सभी इक्विपमेंट होते हैं। रोटर स्पीड वेरिएशन की बात करें तो लो स्पीड जो है रोटर वो ऑपरेट करते हैं 60 हर्ट्ज पर पावर पर सिंगल फेज पर, और रोटर एट 3000 जो है आरपीएम वो देते हैं सिंगल फेज पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हाई स्पीड रोटर की बात करें तो ये हमारे 180 हर्ट्ज पावर पे काम करते हैं थ्री फेज पे, जो एक 9000 आरपीएम अचीव करते हैं। इंक्रीज द रोटेशन स्पीड, स्प्रेड द हीट जनरेटेड इन दी फोकल स्पॉट ओवर अ टारगेट एट एरिया। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे रोटर की, तो उससे क्या होगा कि हीट जनरेशन ज़्यादा होगी जो फोकल पॉइंट है वो हमारे उस पर। तो हमें जो रोटर की स्पीड है वो हम भी हमें 3000 से 900 की रेंज में रखनी होती है, ताकि हमारे जो हीट डिसिपेशन भी है वो जल्दी हो जाए, या बेसिकली वो एक इक्विलिब्रियम या एक मेंटेन लेवल पे रहे। अब रोटर में बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की, तो जो हमारे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है उसमें हायर रोटर स्पीड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, बाय यूजिंग इंक्रीजिंग स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ाते हैं थ्रू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सर्किट के माध्यम से, जिससे हमारे जो है रोटर की जो है स्पीड वो इंक्रीज होती है। तो मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब है उसमें हायर रोटर स्पीड होती है। अब सेफ्टी मैकेनिज्म की बात करें तो एक्सरे मशीन जो है आजकल वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ट्यूब जब तक एनर्जाइज्ड नहीं होती, जब तक हमारा जो एनोड है वो एक फुल स्पीड में ना रीच कर पाए, यानी कि जो रोटेटिंग एनोड है अगर वो हाई स्पीड में नहीं पहुंचता तो उससे पहले हमारा जो है वो एनर्जाइज्ड नहीं होती हमारी एक्सरे ट्यूब। हियर यू कैन सी द डायग्राम, ये हमारा स्टेम है, ये हमारा रोटर है, और ये हमारा फुल स्पोर्ट है और बियरिंग्स है। ये बियरिंग्स बेसिकली हमारे स्टील के होते हैं।
अब जब एक्सपोजर का बटन होता है जो हमारा, एज यू आर इन प्रैक्टिस, आपको पता होगा प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा होगा कि जो प्रेस करते हैं एक्सपोजर के टाइम, तब 1 से 2 सेकंड का डिले टाइम होता है। तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ किया जाता है कि इतनी देर में जो है वो इंटीग्रेटेड होता हो जाता है सब सिस्टम, कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं वो बेसिकली डिले टाइम में ही कवर हो जाती है। तो इंटीग्रेटेड बेसिकली सेफ्टी मैकेनिज्म होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान, जो भी हमारा एक्सरे प्रोडक्शन का ऑपरेशन है उसके दौरान। और पावर सप्लाई जो है वो इंडक्शन को, बेसिकली जो पावर सप्लाई करते हैं इंडक्शन कोयल्स को, वो हमारा एडी करंट जनरेट करते हैं जिससे हमारे रोटर जो है हीट होते हैं। तो ये था हमारा रोटर के बारे में। रोटेटिंग एनोड में बेसिकली बियरिंग एंड लुब्रिकेशन, बियरिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया कि जो बॉल्स होती हैं बियरिंग्स की, वो हमारी स्टील की होती है जो रोटेशन प्रदान करती है हाई वैक्यूम में एनोड को। और लुब्रिकेंट की बात करें तो हीट रेजिस्टेंट होता है और नॉन वोलेटाइल मटेरियल होता है, जैसे कि हमारा लेड और सिल्वर, ड्यू टू वैक्यूम कंडीशन। जो हमारा वैक्यूम कंडीशन है इसकी वजह से बेसिकली कोई भी अगर कॉमन हम लुब्रिकेंट लेंगे तो वो इजी वेपोराइज हो जाएगा, तो इसलिए हम लेड और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑपरेशंस की बात करें तो जो एक्सरे यूनिट है वो मोटर इनिशिएट करती है, बेसिकली इनिशिएट विद मोटर, जो हमारा रोटर स्पीड को अचीव करता है। इसमें बेसिकली हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है फॉर एक्सपोजर। इसमें रैपिड ब्रेकिंग भी होती है ताकि जो हमारे बियरिंग की लाइफ है वो भी प्रिजर्व हो सके। हीट डिसिपेशन की बात करें तो जो हीट टंगस्टन डिस्क से जो निकलती है वो रेडिएट होती है ट्यूब वाल्स पे और सराउंडिंग ऑयल्स पे और हाउसिंग पे। लाइफ लिमिटेशन की बात करें तो जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग है, इससे हमारा जो है एनोड जो है वो पिटिंग होता है, एनोड पिटिंग ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस की वजह से, और इससे जो है एक्सरे आउटपुट में वो है असर पड़ता है और फोकल स्पॉट साइज में भी। देन है हमारा ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब। अब ग्रिड कंट्रोल में बेसिकली इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो 3 इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड, कैथोड और फोकसिंग कप। ये हमारा बेसिकली ग्रिड। ग्रिड फंक्शन की बात करें तो जो फोकसिंग कप है वो हमारा ग्रिड का जो है वो काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको कंट्रोल करता है फ्रॉम फिलामेंट टू टारगेट। अब ग्रिड वोल्टेज की बात करें तो इसमें नेगेटिव वोल्टेज होता है रिलेटिवली टू द फिलामेंट, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन पाथ के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट करता है एक ही डायरेक्शन में बेसिकली। और इसमें एक स्विच होता है ऑन और ऑफ का बेसिकली, जो वोल्टेज को इनक्रीज करता है फिलामेंट जो है अक्रॉस दी फिलामेंट में, स्विच का काम करता है बेसिकली जो ट्यूब कंट्रोल को कंट्रोल कर सके। अब एप्लीकेशन की बात करें तो जो ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब है वो काफ़ी वैल्यूबल होती है प्रोसीजर्स में, जिसमें हमें रैपिड जो है स्विचिंग एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम की जरूरत होती है, जैसे कि हमारा सिन एंजियोग्राफी एंड पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। देन आता है हमारा हील इफेक्ट इन एक्सरे इमेजिंग, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो हील इफेक्ट में जैसे कि आपको पता है जो एक्सरे बीम है वो रिड्यूस होती है एनोड साइड में ऑफ द एक्सरे फील्ड और कैथोड साइड में हमारी जाता होती है। अब कारण की बात करें तो जो एक्सरे फोटोन है वो एनोड साइड में ग्रेटर थिकनेस प्रदान करती है ऑफ द एनोड कंपेयर टू दी दोज ऑफ दी कैथोड साइड। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हील इफेक्ट, तो फैक्टर की बात करें तो जो हमारा मेन फैक्टर है बेसिकली वो हमारा एनोड एंगल होता है, देन उसके बाद फोकस टू फिल्म डिस्टेंस है और हमारा फील्ड साइज है। तो लार्जर जो फील्ड साइज है उसमें हमें बेहतर तरीके से हील इफेक्ट देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंस की इसमें है बेसिकली, अगर हम स्मॉलर FFD रखेंगे तो लेस सिग्निफिकेंट है एट लार्जर FFD। तो स्मॉलर अगर FFD रखेंगे तो उसमें बेसिकली कम चांसेस होते हैं या कम हमें देखने को मिलता है हील इफेक्ट का असर।
अब अगर इसमें हम इंक्रीज कर दें एनोड एंगल को और डिक्रीज कर दें हमारे फील्ड साइज को और एक बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूशन करें ट्रांसमिटेड एक्सरेज को, तो हम हील इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। अब पेशेंट पोजीशनिंग की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि एनोड साइड हमारा जो है वो जो एक्सरे बीम है वो कम होती है और कैथोड साइड में जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो आपको जो थिकर पार्ट है पेशेंट का वो हमारा जो है कैथोड साइड होना चाहिए और हमारा जो थिनर पार्ट है वो हमारा एनोड साइड होना चाहिए। एनोड साइड ओवर थिनर पार्ट होना चाहिए टू मिनिमाइज द हील इफेक्ट। इससे जो है बैलेंसिंग जो है मेंटेन हो पाएगी। अब हेयर यू कैन सी द डायग्राम। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है और बेसिकली इसकी वजह से ये रेंज ऑफ जो एक्सरेज है वो परसेंटेज में दी गई है इंटेंसिटी में। तो जो इंटेंसिटी है वो हमारा एनोड की तरफ, ये हमारा एनोड है इसकी तरफ जो है वो हमारी कम होती है। एनोड ये है हमारा और ये हमारी जो इंटेंसिटी है वो परसेंटेज की फॉर्म में है। देन हमारा कैथोड साइड है ये हमारी ज़्यादा होती है। तो एनोड एंगल की वजह से भी होता है। और लार्जर अगर हम फील्ड ऑफ साइज लेते हैं, लार्जर अगर पार्ट ऑफ द एरिया एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तब हमें फिर ये है हील इफेक्ट देखने को मिलता है। देन है हमारा ऑफ फोकस रेडिएशन इन एक्सरे ट्यूब। तो ऑफ फोकस में बेसिकली एक तरह से स्ट्रे रेडिएशन होती है जो तब होती है जब एनोड की जो सरफेस है उसके आउटसाइड पे अगर इंट्रैक्शन करे आउटसाइड दी फोकल स्पॉट एरिया के, तब हमारे ये होते हैं ऑफ फोकस रेडिएशन। मेन सोर्स क्या है इनका, जो है स्कैटर्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टारगेट पे टकरा के बैक एक्सलरेट करते हैं। और इफेक्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली पेशेंट का जो एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है इनकी वजह से, और जियोमेट्रिक ब्लरिंग होती है, बैकग्राउंड फॉगिंग और इमेज क्वालिटी को भी डिग्रेड करते हैं। तो इसको बेसिकली ओवरकम करने के लिए हम लेड कोलिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉस दी एक्सरे ट्यूब पोर्ट, जो लिमिट करता है ऑफ फोकस बेसिकली रेडिएशन को। देन इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउंडेड एनोड एक्सरे ट्यूब्स को, और ये जो बेसिकली हमारे मेमोग्राफी में यूज़ होती है जो मिनिमाइज करती हैं ऑफ फोकस रेडिएशन को। ट्यूब हाउसिंग इन एक्सरे ट्यूब। तो ट्यूब हाउसिंग की बात करें तो इसमें फंक्शन है, पहला हमारा है रेडिएशन जो है प्रोटेक्शन। तो इनिशियल जो शील्डेड की जाती है, लेड की शील्डिंग होती है ताकि जो है टू अटेन्यूएट द एक्सरे एमिट इन अदर डायरेक्शन। तो लीकेज को बेसिकली मेंटेन किया जाता है लेड शील्डिंग की उससे। देन हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, तो ग्राउंडेड प्रदान किया जाता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक्स ना हो, और इंसुलेटेड सॉकेट का यूज़ किया जाता है जब हाई टेंशन जो है वायर जा होती है इसलिए। और थर्मल प्रोटेक्शन की बात कर तो हमने अभी की लुब्रिकेशन और बेसिकली बियरिंग्स में, तो इसमें मिनरल्स ऑयल का जो है वो फिल्ड किया जाता है। वो बेसिकली थर्मल जो है प्रूफ, एक तरह से कूलिंग मीडियम होता है, एक तरह से कूलिंग सिस्टम का काम करता है, कूलिंग मीडियम का, और हाई टेम्परेचर को एक्सपेंड करता है। और फिजिकल प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको ट्यूब इंसर्ट जो है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज से जो भी हमारा नोक्स और बम्प से हो सकता है। तो ये भी हमें बेसिकली ट्यूब हाउसिंग का फंक्शन है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टील की केसिंग होती है जो लाइन की जाती है लेड से, और जिसमें हमारा परपेक्स कह सकते हैं और या बेरिलियम विंडो होती है जिसमें कन्वेक्स होता है टुवर्ड्स दी अपवर्ड जो है कन्वेक्स होता है ताकि जो हमारी एक्सरे बीम की है जो वो रिड्यूस हो सके और फिल्ट्रेशन हो सके बाई ऑयल। सेफ्टी फीचर की बात करें तो ऑयल एक्सपेंशन एक्टिवेट्स बिलो ऑपरेटेड माइक्रो स्विच। तो इसमें बेसिकली सेफ्टी फीचर्स में बाकी अदर है जो एयर की एंट्री होने से बचाते हैं क्योंकि हमें वैक्यूम मेंटेन करके रखना है। और रेगुलेटर की बात करें तो इसको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि ARB जो है रेगुलेट करता है। और बेसिकली ये लीकेज रेडिएशन का जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा सेट किया जाता है ARB के द्वारा। और बेसिकली जो भी रेडियोलॉजी से संबंधित बॉडीज़ हैं उनमें ARB एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है जो बेसिकली अथॉरिटी हैंडल करती है इन सब चीज़ों को।
देन आता है हमारा एक्सरे फिल्ट्रेशन। तो एक्सरे फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो अनवांटेड जो है, जो लो एक्सरेज हैं उनको जो है कम करते हैं, पेशेंट डोज को कम करते हैं, जो लो डो एनर्जी एक्सरेज है वो जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इनको बेसिकली हम एक्सरे फिल्ट्रेशन कहते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमारा इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एडिड फिल्ट्रेशन है। इनहेरेंट की बात करें तो ये हमारा एक्सरे ट्यूब में ही जो एब्जॉर्प्शन होता है वो है हमारा इनहेरेंट फिल्ट्रेशन है एक्सरे ट्यूब में और उसकी हाउसिंग में। एडिड फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो हमारा एक्सरे बीम का पाथ है उसमें बेसिकली ऐड किया जाता है, जो बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा एडिड फिल्ट्रेशन है, जैसे कि हमारा एलुमिनियम का और कॉपर का। बेसिकली जो एलुमिनियम है वो हमारा लो एनर्जी एक्सरेज को और कॉपर हमारा हाई एनर्जी एक्सरेज को फिल्टर करने के लिए होता है। कंपाउंड फिल्टर भी कंबाइन किया जाता है इन मटेरियल में, जिनका हाई जो है जेड लेयर यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, जो हमारा एक्सरे ट्यूब की फेसिंग पे लगा होता है। टोटल फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो सम है यानी कि इनहेरेंट और एडिड फिल्ट्रेशन है, इन दोनों का जो सम है उसी को हम टोटल फिल्ट्रेशन कहेंगे। पूर्ण रूप से जो है फिल्ट्रेशन होता है। अब डायग्नोस्टिक के माध्यम से देखें या डायग्नोस्टिक के परस्पेक्टिव से देखें तो एक्सरे यूनिट में अगर ग्रेटर देन 100 KVP है तो हमें 2.5 mm का एल्यूमिनियम का फिल्टर जरूर होना चाहिए। ये वेरी भी कर सकता है, जैसे कि हमारा जो मेमोग्राफी में उसमें बेसिकली ऑफन बेरिलियम का एंड मोलिब्डेनम का और रोडियम का यूज़ फिल्टर करते हैं टू एनहांस कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट मटेरियल की टारगेट मटेरियल क्या है हमारा, उसके डिपेंड पे हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर का यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंटली बेसिकली हम पेशेंट जो डोज है उसको कम कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली अप टू 80% इसमें, विदाउट अफेक्टिंग दी मैक्सिमम एनर्जी, जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी है उसको अफेक्ट किए बिना। स्पेशलाइज्ड जो फिल्ट्रेशन है उसमें बेसिकली हाई मेटल फिल्टर है, जैसे कि हमारा गैडोलिनियम है, वो जनरल रेडियोग्राफी में यूज़ होता है ताकि कंट्रास्ट को एनहांस कर सके फॉर आयोडीन एंड बेरियम, और पेशेंट की जो डोज है उसको कम कर सके और जो ट्यूब लोडिंग है उसको बेसिकली बढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक्सरे फिल्ट्रेशन के बारे में था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। देन आता है हमारा स्कैटर रेडिएशन। तो रेडिएशन टाइप्स जो है इमेजिंग में वो हमारी है प्राइमरी रेडिएशन और स्कैटर रेडिएशन और हमारी लीकेज रेडिएशन। प्राइमरी रेडिएशन की बात करें तो जो हमारी रेडिएशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इमेज फॉर्मेशन में वह हमारी प्राइमरी रेडिएशन कहलाती है। और देन आता है हमारा स्कैटर रेडिएशन। तो जो रेडिएशन इंट्रैक्शन करके पेशेंट की बॉडी से टच होकर या उससे लग कर बेसिकली वो अपना जो है पाथ चेंज कर देती हैं, तो उसको हम बेसिकली स्कैटर रेडिएशन कहते हैं, और ये नॉइस और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को अफेक्ट करती हैं। देन आता है हमारा लीकेज रेडिएशन। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन में कोई भी भागीदार नहीं होती, ये हमारा ट्यूब डिज़ाइन के बेसिकली ट्यूब डिज़ाइन पे मैनेज होती है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो पहली रेज है वो आपकी सीधी गई बिल्कुल इमेज फॉर्म किया, वह हमारी प्राइमरी रेडिएशन है। दूसरी है हमारी स्कैटर रेडिएशन, जो हमारी बात नहीं मानती, यानी कि जो जो एक्सरे ट्यूब प्रोडक्शन है उसकी बात नहीं मानी, पेशेंट से इंटरेक्ट करके वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो हमारी स्कैटर रेडिएशन है। और जो ट्यूब हाउसिंग में यानी कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उससे जो अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है रेडिएशन, यानी कि जो आपकी यूनिफॉर्म वन डायरेक्शन में नीचे जाती है पेशेंट की तरफ, वह न जाकर वो ट्यूब से ही लीक हो रही है रेडिएशन, वह हमारी लीकेज रेडिएशन कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से अभी आपसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। इनके बारे में आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर आई होप बाय दिस एक्सप्लेनेशन। अब इमेज क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो हमारा फोकल स्पॉट साइज से कंट्रोल होता है, और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली हमारा अफेक्ट होता है स्कैटर रेडिएशन से और नॉइज से। अब कंट्रोल और स्कैटर रेडिएशन की बात करें तो इसमें बेसिकली हम इमेज नॉइज़ को और
कंट्रास्ट को बेसिकली अफेक्ट करता है, बेसिकली स्कैटर रेडिएशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्कैटर रेडिएशन। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्कैटर रेडिएशन को, वो हमें समझना है। पहला हमारा केवीपी यानी कि पीक वोल्टेज। तो हायर अगर केवीपी होगा तो हमारे जो इंक्रीज है एक्सरे एनर्जीज वो भी इंक्रीज होंगे, जो कॉम्प्टन इंट्रैक्शन है उसको बेसिकली प्रमोट करेंगे, जिससे ज़्यादा जो है स्कैटर रेडिएशन होगी। तो मिनिमम हमें केवीपी यूज़ करना है जिससे हमारी जो है कम स्कैटर रेडिएशन उत्पन्न हो। देन दूसरा पॉइंट है हमारा फील्ड साइज का। तो लार्जर जो फील्ड साइज है वो हमारे स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्मॉलर जो फील्ड साइज है उसमें कम होते हैं। बट रिक्वायर एक्सपोजर जो अगर जिसमें रिक्वायर है हायर एक्सपोजर की टेक्निक की, उसमें हमें यूज़ करना चाहिए। पेशेंट थिकनेस भी इसमें मायने रखता है कि पेशेंट के थिकनेस कितनी है। जो थिकर पार्ट है बॉडी पार्ट का वो जनरली मोर स्कैटर करता है रेडिएशन को, और बेसिकली एक जो इमेज है क्वालिटी, इमेज क्वालिटी को वो ख़राब करता है। ये समझ सकते हैं कि एक जो बॉडी पार्ट है उसमें डेंसिटी ज़्यादा है और दूसरे में कम है, तो जो कम वाला एरिया है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी रेडिएशन और कुछ पास थ्रू कर जाएंगी, बट जो हमारा डेंसिटी ज़्यादा वाला है, जैसे कि हमारा थिकर पेशेंट है उसमें ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया है, तो उसमें स्कैटर रेडिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम कैसे ऑप्टिमल टेक्निक सिलेक्शन से हम इसको कम कर सकते हैं, केयरफुल सिलेक्शन करना है हमें केवीपी का और एमएएस का। एमएएस यानी कि ट्यूब करंट का, जिससे जो हमारी इमेज क्वालिटी और पेशेंट बैलेंस बरकरार रख सके, और कुछ केसेस में बेसिकली लोअर केवीपी का यूज़ करते हैं, और जिससे हम बाय इंक्रीजिंग एमएएस को बढ़ाकर स्मॉलर फील्ड ऑफ साइज बेसिकली रख सकते हैं, जिस और प्रॉपर टेक्निक से, जिससे हमारे स्कैटर रेडिएशन जो है वो मैनेज हो जाए। मेमोग्राफी का जो है ऑलवेज कंट्रोल ऑफ पेशेंट थिकनेस। तो जो मेमोग्राफी है वो हमारा पेशेंट थिकनेस के ऊपर बेसिकली होता है, और इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी। तो ये था हमारा स्कैटर रेडिएशन के बारे में। तो आपको जो प्रॉपर जो टेक्निक है, यानी कि आपको जो फील्ड ऑफ एरिया है, जितना इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वही लेना है, और आपको केवीपी ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है पेशेंट को, खासकर आपके जो है जो कम डेंसिटी वाले हैं, यानी कि जो जिस ह्यूमन बॉडी थिनर पार्ट है उन पे आपको जो है केवीपी वो कम से कम रखनी है। तो इसके फलस्वरूप आप स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको मदद करेगा, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन से जो है वो आपको भी रेडिएशन जो लगने का खतरा है वह बढ़ जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें ये प्रैक्टिकल यूसेज में भी अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट, और ये एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन आता है हमारा बीम रेस्ट्रिक्टर और कोलीमेटर्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपर्चर डायफ्राम है, कॉन्सेंट सिलेंडर है, बेसिकली ये हमारा सर्कुलर और बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेस नुम्ब्रा। कोलीमेटर होता है जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव है बीम रेस्ट्रिक्टर वेल डिफाइंड एक्सरे फील्ड में। अब बेसिकली तीन हमारे इसमें है, ये जो इस टॉपिक के ऊपर मैंने शॉर्ट में जो है वो केवीपी एमएएस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं रेडियोग्राफर टेक्निक में, बेसिकली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कोलिमेशन के ऊपर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मोस्ट इफेक्टिव बीम रेस्ट्रिक्टर, तो वो सीधे से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव बीम रेस्ट्रिक्टर, और ऑप्शन में आपको ये चार ऑप्शन गिवन कर देगा, अपर्चर डायफ्राम, कॉन्स अलग से, और सिलेंडर और कोलिमेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इफेक्टिव बीम रेस्ट्रिक्टर है, यानी कि जो हमारी एक्सरे बीम है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का जो सबसे बेहतर और कारगर जो तरीका है वो हमारा है कोलिमेशन। यानी कि जब आप कोलिमेट करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा होगा कि जब आप कोलिमेट करते हैं तो उस डायरेक्शन से जो हमारी एक्सरे बीम है वह नहीं आती। तो ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम परस्पेक्टिव से। बाकी आपको जो है अपर्चर डायफ्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, ये यूटिलाइज्ड इन डेंटल रेडियोग्राफी में होते हैं, अदर एरिया में रेक्टेंगुलर कोलिमेशन होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं
और डिटरमाइन कर सकते हैं बीम साइज को और शेप को। हाई न्यूमरा होता है रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग दी डिस्टेंस फ्रॉम दी टारगेट। और देन आता है हमारा कॉन्स एंड सिलेंडर्स, ये बेसिकली न्यूमरा को कम करते हैं, बेटर देन अपर्चर डायफ्राम, उससे बेटर होते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट होती है और कोन कटिंग को प्रिवेंट करते हैं जिसमें बेसिकली असेंशियल होता है उसी में, और लिमिट करते हैं फील्ड साइज को बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जो चीज़ें हैं वो पहले यूज़ की गई थी। देन उसके बाद हमारा है कोलिमेशन। तो बेस्ट बीम रिस्ट्रिक्टर जो है वो ट्यूब हाउसिंग पे लगा होता है कोलिमेशन, जिसमें टू सेट्स होते हैं मूवेबल लेड प्लेट्स के शटर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड को, या बेसिकली आपको स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जब आप कोलिमेशन को फुल ओपन करके देखते हैं। इसमें लाइट भी होती है और मिरर अरेंजमेंट होता है जिससे बेसिकली हमारा जो एक लाइट जो है डायरेक्शन में एक हमें दिख सके कि किस डायरेक्शन में हमारी जो है एक्सरे जो है बीम वो जाएगी। अलाइनमेंट ऑफ लाइट बीम एंड एक्सरे बीम इज क्रिटिकल। तो जो हमारा अलाइनमेंट है यानी कि एक्सरे बीम किस डायरेक्शन में जाएगी और हमारी जो अलाइनमेंट लगी है वह किस डायरेक्शन में है वह बड़ा क्रिटिकल होता है। इसी हमें मदद मिलती है कि एक्सरे जो है बीम किस डायरेक्शन में जाएगी। बेनिफिट क्या है हमारे, तो जो अगर पेशेंट की जो डोज है वो हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमें लेस अगर पार्ट ऑफ एग्जाम करना है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया कम रखना है, तो हम उसको कोलिमेट करते हैं, कम एरिया को कवर करते हैं बाई यूजिंग दैट लेड रेक्टेंगुलर शीट्स। तो जो हमारी शीट्स लगी होती हैं, जो हमारी शटर होते हैं दो, एक मूवे दोनों मूवेबल होते हैं बेसिकली, एक सिंगल डायरेक्शन, दो अलग अलग बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम जो है इमेज क्वालिटी को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कोलिमेशन का बेसिकली काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारा एक्सरे फील्ड में स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए और बाकी जो हमारा इमेज क्वालिटी है उसको भी कम करने के लिए। तो इमेज क्वालिटी इससे इम्प्रूव होती है। अगर आपको प्रैक्टिकल यूसेज में आपको देखना है तो एक आप एक हैंड का एक्सरे आप फुल कोलिमेशन ओपन करके और एक जो प्रॉपर एरिया है जो हैंड का वह कोलिमेट अगर किया हो वह एक्सरे आप कंपेयर करके देखना, दो जो है एक्सरे उसमें जो क्वालिटी है वो आपकी जो कम एरिया आपने जो जितना हो सके इंटरेस्ट ऑफ एरिया हमारा हैंड के अराउंड का है उतना कवर किया है, तो वह जो एक्सरे है उसकी फिल्म की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होगी, इमेज क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल यूसेज में भी, ये केवल थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो कोलिमेशन का आपका महत्वपूर्ण रोल रहता है आपकी रेडिएशन और पेशेंट की जो रेडिएशन उसको लगने में, तो इसमें जो रेडिएशन डोज है उसको कम कर सकते हैं। अब सब जो कोलिमेटर है उसमें बेसिकली पॉजिटिव बीम लिमिटेशन होती है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है एक्सरे फील्ड साइज को बेस्ड ऑन कैसेट डायमेंशन। कोलिमेशन है वो आजकल उसमें पीबीएल यानी कि पॉजिटिव बीम लिमिटेशन होता है, यानी कि आपके ने अगर 8-10 की साइज की जो कैसेट है वो आपने रखी है तो कोलिमेशन है वो कैसेट के माध्यम से या कैसेट से ट्रैक करके ही जो अपना जो है कोलिमेट कर लेगा कि इतने हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया में जो है कोलिमेट होना है। तो ये भी एक तरह से स्मार्ट जो है कोलिमेशन होते हैं। जो पीबीएल है बेसिकली लिमिट करता है इरिडेटेड वॉल्यूम को, जो हम अनवांटेड जो वॉल्यूम लेते हैं यानी कि हमें 8-10 की अगर कैसेट यूज़ करते हैं या 10-12 की हम एरिया उससे ज़्यादा लेते हैं तो यह इसको कम करता है और पेशेंट डोज को भी कम करता है। देन डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यू, इससे जो रिलेटेड जो है एमसीक्यू वो हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा एमसीक्यू है व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब कंपेयर टू दी स्टेशनरी एनोड ट्यूब। तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब एक्सरे ट्यूब यूज़ करने का और स्टेशनरी एनोड ट्यूब यूज़ करने का। तो जैसा कि आपको बताया राइट आंसर है हमारा इंक्रीज, बेसिकली हीट लोडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और बेसिकली ट्यूब लाइफ जो है वो भी बढ़ती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो रोटर का बेसिकली फंक्शन क्या है एक्सरे ट्यूब में वो हमें बताना है।
ऑप्शन वन है हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हमारा टू रोटेट द एनोड डिस्क, और ऑप्शन सी हमारा टू जनरेट एक्स रेज, एंड ऑप्शन डी हमारा टू कूल दी एनोड। तो जैसा कि आपने अभी जाना है अच्छे से, जो रोटर है बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा है, टू रोटेट दी एनोड डिस्क, जो एनोड डिस्क है उसको रोटेट करने में बेसिकली रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर दी एनोड डिस्क इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरेटिव टारगेट एरिया। तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है एनोड डिस्क में बेसिकली फॉर रोटेटिंग एनोड एक्सरेटिव टारगेट एरिया? ऑप्शन है हमारा कॉपर, एलुमिनियम, टंगस्टन, आयरन। तो जैसा कि आपको पता है जो कॉमनली यूज मेटल है वो हमारा है टंगस्टन, टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज़ दी रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरेट्यूब टिपिकली पावर्ड? तो रोटर जो है वो कैसे पावर्ड होता है रोटेटिंग एनोड में वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि डीसी, ऑप्शन बी हमारा बाय सोलर पैनल, ऑप्शन सी हमारा थ्रू एन इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी हमारा यूजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हमने अभी जाना जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है उसमें पावर्ड किससे होता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी थ्रू एन इंडक्शन मोटर, रोटर में ही हमने ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई इज द सरफेस ऑफ द रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड ट्यूब ऑफन ब्लैकेंड? तो जो सरफेस है रोटर का रोटेटिंग एनोड में वो ब्लैकेंड क्यों होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू एब्जॉर्ब एक्स रेज, ऑप्शन बी हमारा टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन सी हमारा टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ऑप्शन डी हमारा टू एनहांस हीट डिसिपेशन बाय रेडिएशन। तो ब्लैकेंड जो करने का वो हमारा मेन मोटिव है वो हमारा है टू एनहांस दी हीट डिसिपेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन जो है हीट डिसिपेशन को बढ़ाता है, जो रेडिएशन से उत्पन्न होने वाली हीट है उसको एनहांस करता है, हीट डिसिपेशन मतलब फैलाता है, उसको मैनेज करता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कोलिमेटर एज एन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर कंपेयर टू अपर्चर डायफ्राम एंड कॉन्स और सिलेंडर्स? तो मेन एडवांटेज क्या है कोलिमेशन का एज कंपेयर टू हम बाकी जो अदर एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर यूज करते हैं? तो जैसे कि हमने अभी जाना कोलिमेटर के बारे में, तो इजी टू आंसर है ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर हैव अ लार्ज न्यूमरा, ऑप्शन बी हमारा कोलिमेटर प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड एक्सरे फील्ड, ऑप्शन सी हमारा कोलिमेटर्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ऑप्शन डी हमारा कोलिमेटर्स आर चीपर टू मैन्युफैक्चर। तो कोलिमेटर जो है हमें वेल डिफाइंड जो है एक्सरे फील्ड देते हैं, यानी कि जितना हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया है और एक रेक्टेंगुलर शेप में लेड शटर इसमें लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच टाइप ऑफ एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर इज कॉमनली यूज इन अ डेंटल रेडियोग्राफी एंड ट्रोमा और चेस्ट रेडियोग्राफी? तो किस तरह के हम एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का यूज़ करते हैं डेंटल रेडियोग्राफी में वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर, ऑप्शन बी हमारा अपर्चर डायफ्राम, ऑप्शन सी हमारा कोन, ऑप्शन डी हमारा सिलेंडर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपर्चर डायफ्राम जो है डेंटल रेडियोग्राफी में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द अनडिजायरेबल इफेक्ट वेयर वन साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब फिल्म मे नॉट बी एक्सपोज्ड ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ एक्सरे सोर्स कोन और फिल्म? तो इसमें हमें बताना है कौन सा इफेक्ट कहलाता है जिसमें हमारा बेसिकली एक साइड का जो एक्सरे फिल्म है उसमें एक्सपोज्ड नहीं होता, किसकी वजह से? या तो हमारा मिस अलाइनमेंट है एक्सरे सोर्स का या कोन का या फिल्म का। ऑप्शन ए हमारा कोन कटिंग, ऑप्शन बी हमारा न्यूमरा इफेक्ट, ऑप्शन सी हमारा स्कैटर इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारा कोलिमेटर एरर या कोलिमेशन एरर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोन कटिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच टाइप ऑफ बीम रेस्ट्रिक्टर इज आइडियल फॉर प्रोवाइडिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड साइजेस विद रिड्यूस्ड नंबरा? तो कौन से टाइप का बीम रेस्ट्रिक्टर है जो प्रोवाइड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड साइजेस को और रिड्यूस्ड नंबरा? तो ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर, ऑप्शन बी हमारा अपर्चर डायफ्राम, ऑप्शन सी हमारा कोन, ऑप्शन डी हमारा सिलेंडर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोन, कोन में बेसिकली लिमिटेड जो है फील्ड साइजेस हमें देखने को मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फीचर डू पॉजिटिव बीम लिमिटेशन यानी कि PBL कोलिमेटर ऑफर दैट एनहांस पेशेंट डोज मैनेजमेंट। तो PBL का बेसिकली हमें बताना है फीचर कोलिमेशन में। ऑप्शन ए हमारा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट दी कोलिमेटर ओपनिंग बेस्ड ऑन कैसेट डायमेंशन। ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस दी नुमरा इफेक्ट। ऑप्शन सी हमारा इंक्रीज दी एक्सरे बीम इंटेंसिटी। ऑप्शन डी हमारा प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड। तो जैसा कि हमने जाना जो PBL है एक तरह से स्मार्ट कोलिमेटर जो है वो बना देता है कोलिमेशन को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट दी कोलिमेटर ओपनिंग बेस्ड ऑन कैसेट डायमेंशन। तो कैसेट डायमेंशन के आधार पर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कोलिमेटर को। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मोस्ट प्रोन टू डैमेज ड्यू टू कंटिन्यूस इलेक्ट्रो बॉम्बार्डमेंट। तो कौन सा जो है रोटेटिंग एनोड में कौन सा जो एरिया है वो ज़्यादा डैमेज होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से। तो ऑप्शन ए हमारा रोटर, ऑप्शन बी हमारा फिलामेंट, ऑप्शन सी हमारा फोकल स्पॉट, ऑप्शन डी हमारा एनोड डिस्क। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है एनोड डिस्क होता है जो रोटेट करता है और जिस पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट होते हैं और एक्सरे प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी रीजन फॉर कूलिंग सिस्टम इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज टू। तो प्राइमरी रीजन क्या है कूलिंग सिस्टम का रोटेटिंग एनोड में। तो ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज ट्यूब एफिशिएंसी, ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी हमारा प्रिवेंट ट्यूब ओवरहीटिंग, ऑप्शन डी हमारा कंट्रोल दी साइज ऑफ दी फोकल स्पॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिवेंट ट्यूब ओवरहीटिंग। ट्यूब को बेसिकली ओवरहीटिंग होने से बचाता है ये हमारा कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज दी डायनामिक ब्रेकिंग इन दी कंटेक्स्ट ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो डायनामिक ब्रेकिंग क्या है वह हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है मेथड टू इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन बी हमारा है टेक्निक टू रिड्यूस एनोड रोटेशन स्पीड, ऑप्शन सी हमारा द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन द रोटर आफ्टर एक्सपोजर, एंड ऑप्शन डी हमारा एन एडवांस्ड कूलिंग मैकेनिज्म। तो रोटेटिंग एनोड में आपने पढ़ा था जो डायनामिक ब्रेकिंग है वो किससे रिलेटेड था हमारा, रोटर से रिलेटेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन द रोटर आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद जो है रोटर को स्लो डाउन करने के लिए हम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब व्हाई इज द स्टेम अटैच्ड टू द रोटर टिपिकली मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम की बेसिकली स्टेम क्यों होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू एनहांस इमेज क्वालिटी, ऑप्शन बी हमारा टू इम्प्रूव हीट कंडक्शन, ऑप्शन सी हमारा टू रिड्यूस दी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हमारा टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू दी बियरिंग्स। तो मोलिब्डेनम का जो है वो स्टेम होता है। तो राइट आंसर है हमारा टू प्रिवेंट दी हीट ट्रांसफर टू दी बियरिंग्स। बियरिंग्स तक हीट ना जाए इसलिए हम स्टेम जो है मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बियरिंग्स इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है बियरिंग्स का रोटेटिंग एनोड में। ऑप्शन ए हमारा रेगुलेट ट्यूब करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा फैसिलिटेट एनोड रोटेशन एंड डिसिपेट हीट, ऑप्शन सी हमारा जनरेट एक्सरे फोटोन एंड रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन डी हमारा मेंटेन ए हाई वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। तो बियरिंग्स जो हमारे थे वो स्टील के बियरिंग्स थे जैसा कि आपको पता है। तो राइट आंसर है हमारा फैसिलिटेट एनोड रोटेशन एंड डिसिपेट हीट। एनोड को रोटेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर दी बियरिंग्स इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो किस तरह के जो है लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है रोटेटिंग एनोड में। ऑप्शन ए हमारा ऑयल, ऑप्शन बी हमारा ग्रीस, ऑप्शन सी हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन डी हमारा लेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑयल। ऑयल में सम्बस्ड होता है बेसिकली एक्सरे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई कांट कॉमन लुब्रिकेंट लाइक ऑयल और ग्रीस कैन बी यूज्ड फॉर द बियरिंग्स इन ए हाई वैक्यूम एक्सरे ट्यूब। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है
कि हम कॉमन तरह के जो कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते एक्सरे ट्यूब में, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा दे इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी हमारा दे वेपोराइज अंडर हीट एंड डिस्ट्रॉय दी वैक्यूम, ऑप्शन सी हमारा दे लेड लीड टू एनोड ओवर हीटिंग, ऑप्शन डी हमारा दे रिड्यूस इमेज क्वालिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हीट की वजह से जो कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट है वो वेपोराइज्ड हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दे वेपोराइज अंडर हीट एंड डिस्ट्रॉय दी वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि हमें वैक्यूम मेंटेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायनामिक ब्रेकिंग इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सर ट्यूब, तो ये हमने अभी जाना, तो ऑप्शन नंबर ए टू स्लो डाउन दी रोटर आफ्टर एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 19, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टेम दैट कनेक्ट दी एनोड डिस्क टू द रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सर ट्यूब, तो किस तरह का बेसिकली स्टेम यूज करते हैं, तो राइट आंसर है हमारा मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, तो कौन सा इसमें की करेक्टरिस्टिक है, ऑप्शन ए हमारा एबिलिटी टू रोटेट दी एनोड असेंबली, ऑप्शन बी हमारा लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स, ऑप्शन सी हमारा लो हीटिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी हमारा हाई हीट लोडिंग कैपेसिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लो हीट कैपेसिटी होती है, इसी की वजह से हम रोटेटिंग एनोड को लेकर आए थे, डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब आर कॉमनली यूज्ड इन, तो जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है वो किस में यूज होती है कॉमनली, ऑप्शन ए हमारा मेमोग्राफी, ऑप्शन बी हमारा रेडियोग्राफी ऑफ लार्ज बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन सी हमारा डेंटल रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी हमारा फ्लोरोस्कोपी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेंटल रेडियोग्राफी में हम स्टेशनरी एनोड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब द एनोड इज टिपिकली मेड अप ऑफ, तो एनोड स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में एनोड किसका बना होता है वो हमें बताना है। इजी टू आंसर है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब फॉर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स, तो क्या प्राइमरी डिसएडवांटेज है स्टेशनरी एनोड का इस्तेमाल करने का लॉन्ग एक्सपोजर के में, ऑप्शन ए हमारा रिड्यूस पेशेंट डोज, ऑप्शन बी हमारा रिस्क ऑफ एनोड ओवर हीटिंग, ऑप्शन सी हमारा हाई इमेज क्वालिटी, ऑप्शन डी हमारा मिनिमल हीट जनरेशन। तो जो स्टेशनरी एनोड है उनकी जो हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है, तो इसमें रिस्क बना रहता है एनोड का ओवर हीटिंग होने का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब द फोकल स्पॉट साइज, तो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में फोकल स्पॉट साइज क्या है हमारा, ऑप्शन ए हमारा कैन बी इजली एडजस्टेड, ऑप्शन बी हमारा इज ऑलवेज लार्ज, ऑप्शन बी सी हमारा रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी हमारा इज टिपिकली स्मॉल। तो राइट आंसर है हमारा रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ऑप्शन ऑपरेशन। एनोड जो एक्सरे ट्यूब है उसमें एक एक ही तरह का बेसिकली फोकल स्पॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंपोनेंट ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब प्रिवेंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एनोड टू द बियरिंग्स, तो कौन से जो कंपोनेंट है वो रोटेटिंग एनोड के जो प्रिवेंट करते हैं हीट ट्रांसफर को एनोड से बियरिंग्स तक जाने में, तो ऑप्शन ए हमारा फोकसिंग कप, ऑप्शन बी हमारा फिलामेंट, ऑप्शन सी हमारा स्टेम, ऑप्शन डी हमारा रोटर। तो जैसा कि हमने जाना जो स्टेम हुआ है वो हमारा मोलिब्डेनम का होता है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेम। स्टेम हमारा प्रिवेंट करता है हीट ट्रांसफर को एनोड से बियरिंग तक जाने में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फोकसिंग कप इन एक्सरे ट्यूब, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है फोकसिंग कप का, तो ये हमें बताना है। इजी टू आंसर है, ऑप्शन ए हमारा टू कूल दी एनोड, ऑप्शन बी हमारा टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटोन्स, ऑप्शन सी हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एनोड, ऑप्शन डी हमारा टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो राइट आंसर है हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन ऑन दी एनोड, एनोड की तरफ फोकस करने का बेसिकली कार्य होता है फोकसिंग कप का।
क्वेश्चन नंबर 27। इन एन अनबायस्ड फोकसिंग कप सेटअप द वोल्टेज अप्लाइड टू द फोकसिंग कप इज, तो एक बायस्ड होता है और एक अनबायस्ड होता है, वो हमें बताना है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ऑप्शन ए हमारा द सेम एज द फिलामेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा जीरो या नो वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा इक्वल टू द ट्यूब करंट, ऑप्शन डी हमारा नेगेटिव रिलेटिव टू द फिलामेंट। तो इसमें हम बेसिकली डायग्राम में हमें जाना था अच्छे से, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीरो वोल्टेज इसमें होती है अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 28। हाउ डज बायस्ड फोकसिंग कप सेटअप डिफर फ्रॉम अनबायस्ड सेटअप एक्सरे ट्यूब, तो कैसे जो डिफर करते हैं, डिफरेंस होता है बायस्ड और अनबायस्ड फोकसिंग कप में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा बायस्ड फोकसिंग कप हैज़ ए हायर फिलामेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा अनबायस्ड फोकसिंग कप प्रोड्यूस लार्जर फोकल स्पॉट साइजेस, ऑप्शन सी हमारा बायस्ड फोकसिंग कप इज नेगेटिवली चार्ज रिलेटिव टू द फिलामेंट, ऑप्शन सी डी हमारा अनबायस्ड फोकसिंग कप रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायस्ड जो फोकसिंग कप है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं रिलेटिव टू द फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 29। द बेवल्ड एज ऑफ द एनोड डिस्क इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड टू, तो एनोड डिस्क जो है वो बेवल्ड एज की क्यों होती है, वो हमें बताना है, या उसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज द ट्यूब करंट, ऑप्शन बी हमारा एनहांस द इमेज क्वालिटी, ऑप्शन सी हमारा अचीव द लाइन फोकस प्रिंसिपल, एंड ऑप्शन डी हमारा रिड्यूस द ट्यूब वोल्टेज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बेवल्ड एजिस या एक स्लांट शेप में होता है 6 से 20 डिग्री की डायरेक्शन बेसिकली, तो राइट आंसर है हमारा अचीव द लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल को प्राप्त करने के लिए हम बेवल्ड एजिस का इस्तेमाल करते हैं एनोड डिस्क को। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेटर कोयल ऑफ द इंडक्शन मोटर इन ए रोटेटिंग एनोड ट्यूब आर एनर्जाइज्ड, तो क्या होगा अगर जो स्टेम कोयल्स हैं इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग ट्यूब में वो एनर्जाइज्ड हो जाएं। ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ऑप्शन बी हमारा एक्सरेज आर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ऑप्शन डी हमारा द रोटर हीट्स अप। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी एंड एमसीक्यू। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो ये जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने इसलिए कराए हैं ताकि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है इसमें हेल्पफुल हो। थ्योरी प्लस जो एमसीक्यू है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं, इसके बाद आपको जो है एक्सेसरी जो तैयारी या एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी से आपको जो है कन्फर्म्ड जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।